नमस्कार, मैं सचिन आपके अपने YouTube चैनल जीएसटी जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत एंड मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज 23 फरवरी 2022, और 23 फरवरी 2022 का हम क्या पढ़ेंगे, करेंट अफेयर पढ़ेंगे। और आप जानते हैं हमारा हर पर डे क्या होता है, करेंट अफेयर शो होता है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइएगा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो आप बताएंगे, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि फरवरी में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में हम कुछ थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम बात करें 1 फरवरी की, ठीक है, तो 1 फरवरी को आप जानते हैं भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन चीनी नववर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद 2 फरवरी की बात करें, ठीक है, 2 फरवरी मैंने बताया एसटेट और टेट वालों के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आर्द्र भूमि का मतलब होता है दलदली भूमि, ठीक है, इसके इन्हें इंग्लिश में बैटलैंड कहते हैं, ठीक है। 4 फरवरी को, अब 4 फरवरी को देखते हैं, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गए 3 दिवस। इसके बाद देखते हैं, और 8 फरवरी को, ठीक है, तो 8 फरवरी को आप जानते हैं 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। जब इंटरनेट चलाते हैं, इसमें जो भी हमारी सिक्योरिटी होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए 8 फरवरी को हम सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में मनाते हैं। 10 फरवरी को दलहन दिवस और राष्ट्र मुक्ति दिवस में मनाते हैं, ठीक है। बात है 11 फरवरी की, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बात करें 13 फरवरी को, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, क्या, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं 15 फरवरी की, तो 15 फरवरी को आप जानते हैं चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया जाता है, कौन सा, चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया जाता है। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, और 21 फरवरी को मातृभूमि दिवस मनाया जाता है, मातृभूमि दिवस, ठीक है। अगर इस मृदा कार्ड योजना की बात करें, तो मृदा कार्ड योजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो आप बताएंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ओके। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन सा बना है? तो आप बताएंगे केन्या, कौन बना है, केन्या। बात करते हैं केन्या की कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे नैरोबी, ओके। और अगर प्रेजेंट समय की प्रेसिडेंट पूछ लिए जाए, तो यू केन्याता, कौन है, यू केन्याता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की कैपिटल पूछ लें, तो भोपाल, और भोपाल में ही स्थित है क्या, भोजताल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो आप बताएंगे नॉर्वे ने, किसने जीते हैं, नॉर्वे ने, कितने जीते हैं, 37 जीते हैं। अगर बात करें कि 37 में गोल्ड कितने हैं, तो आप बताएंगे 16, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और
किस देश ने पूर्वी ब्रज 6 वायु अभ्यास शुरू किया है? तो आप बताएंगे भारत और ओमान की सेनाओं ने ये क्या किया, युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया है। इसके बाद आता है हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केवल, ठीक है केवल आप जानते हैं जो ऐसा केवल होता है, केवल ब्रिज बनाएंगी, ठीक है ये, ठीक है केवल ब्रिज क्या होगा स्थापित होगा, ओके ये केवल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा साथ अभियान शुरू किया है, ठीक है मेरी पॉलिसी और मेरा साथ अभियान शुरू किया है, तो आप बताएंगे कृषि मंत्रालय ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिमाचल प्रदेश को भारत हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है, तो आप बताएंगे मंडी में, कहाँ मिला मंडी में। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी। शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। अपना एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान एंड धन्यवाद।